पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों से तंग आकर भारत आए हिंदुओं में जैसलमेर की तत्कालीन कलेक्टर टीना डाबी के प्रति इतना सम्मान है कि विस्थापित आज भी पूर्व कलेक्टर डाबी को दुआएं और शुभकामनाएं देते हुए नहीं थक रहे हैं। इनके दिलों में आईएस टीना डाबी आज भी राज कर रही हैं। इन हिंदू पाक विस्थापितों के जहन में आज भी पूर्व कलेक्टर डाबी की तरफ से उनके लिए किए गए पुनर्वास का काम आज भी जिंदा है। और तो और, इनमें से एक ऐसा भी हिंदू पाकिस्तानी विस्थापित परिवार है जो 20 साल पहले पाकिस्तान में अत्याचारों से तंग आकर भारत आया और जैसलमेर में रहकर इन विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। महज हाई स्कूल तक पढ़े हुए पाक विस्थापित किशनराज भील जैसलमेर की पूर्व कलेक्टर टीना डाबी के कामों और उनकी वर्किंग स्टाइल पर फिदा है। उन्होंने पाकिस्तानी विस्थापितों की समस्या और उसके मर्म को लेकर एक किताब लिख डाली है। पुनर्वासी भील नामक इस किताब पर कवर फोटो टीना डाबी का दिया है। मात्र 199 रुपए की कीमत पर 82 पेज की यह किताब Amazon, Flipkart आदि पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि मई 2023 में जैसलमेर से 5 किलोमीटर दूर अमर सागर तालाब के कैंटोनमेंट एरिया में अवैध रूप से बसे हुए करीब 4 दर्जन से ज्यादा हिंदू पाकिस्तानी विस्थापितों को तत्कालीन जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अतिक्रमण मानते हुए बेदखल कर दिया था। इस मामले में टीना की काफी किरकिरी हुई थी। बाद में टीना डाबी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए इन विस्थापितों को करीब 7 किलोमीटर दूर मूल सागर में 40 बीघा जमीन अलॉट करके न केवल पुनर्वास किया, साथ ही उनके लिए खाने पीने के इंतजाम भी करवाए। ये पहला मामला था जिसमें हिंदू पाकिस्तानी विस्थापितों को बकायदा राज्य सरकार के सहयोग से जिला प्रशासन की तरफ से पुनर्वास किया गया। उसके बाद ये हिंदू पाकिस्तानी विस्थापित तत्कालीन जिला कलेक्टर टीना डाबी की कार्यशैली पर फिदा हो गए और उन्हें खूब दुआएं देने लगे। और तो और, जिस दिन इन विस्थापितों को पुनर्वास किया जा रहा था उस दिन इन विस्थापितों ने टीना डाबी के लिए खूब पलक पावड़े बिछाए और उस समय टीना डाबी गर्भवती थी तो कई बुजुर्ग महिलाओं ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तक दे दिया। किताब के कवर फोटो पर बकायदा टीना डाबी को छाप कर उनको सम्मान दिया है। हालांकि आईएस टीना डाबी का कहना है कि उनसे किताब के कवर फोटो छापने के लिए परमिशन नहीं ली थी, लेकिन किताब के लेखक किशनराज भील ने कहा कि हमने कवर फोटो छापने के लिए टीना मैडम से काफी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, इस वजह से हम उनसे अनुमति नहीं ले पाए, मगर हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा और आस्था है और हमने ये फोटो किताब के कवर पर छाप दिया। अब डाबी मैडम अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती हैं तो उन्हें मंजूर है। अब बात करें किताब की तो जैसलमेर के गजरूप सागर में पाकिस्तानी विस्थापितों की बस्ती में निवास कर रहे किशनराज भील ने बताया वे पत्थर का काम करते हैं। उन्होंने पुनर्वासी भील नामक एक पुस्तक लिखी है। 82 पेज और 6 अध्याय की इस पुस्तक में अखबारों की कटिंग के साथ ही तथ्यात्मक आंकड़ों, पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के साथ ही भारत में मिलने वाली सुविधाओं और यहाँ उनके लिए आने वाली कठिनाइयों का भी इस किताब में जिक्र किया गया है। तो वहीं इस किताब के मेन पेज पर उसने 2015 की UPSC टॉपर टीना डाबी का फोटो दिया है। किताब में मई 2023 में पाकिस्तानी विस्थापितों की बस्ती पर उस समय जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए बुलडोजर की कहानी और पुनर्वास की बातें भी लिखी हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी विस्थापितों को पुनर्वासी शब्द कहने की बात को ज्यादा तवज्जो दी है। साथ ही किताब में पाकिस्तानी विस्थापितों के भारत आने वाली कई समस्याओं और पुनर्वास को लेकर भी वृतांत लिखा गया है। किताब के लेखक किशनराज भील ने बताया कि हमारे पूर्वज तत्कालीन कारणों के चलते भले ही पाकिस्तान चले गए हों लेकिन हमारा मूल जन्म स्थान जैसलमेर है और हमारा दिल आज भी भारत के लिए धड़कता है। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।